हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डिसेबल अकाउंट की रिकवरी कैसे किया जाए और वो कौन से कारण हैं जिससे कि हमारा अकाउंट जो है डिसेबल हो जाता है। तो बिना कुछ देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको जैसा कि इंटरफेस दिख रहा होगा, डिसेबल अकाउंट हो जाता है तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिख के आता है। तो यहाँ पर एक ट्राई टू रिस्टोर है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। सीधी बात बताऊँ तो जितना भी हो आप परफेक्ट आंसर करना, वहाँ से रिकवर हो जाएगा। और एक आता है यहाँ पे, एक लिंक मिलती है अपील करने के लिए, आप वहाँ से भी जाके अपील करके अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी नहीं होता है तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर आपको गूगल पे आना है। गूगल पर आने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली सर्च करना है हाउ टू रिकवर डिसेबल अकाउंट। जैसा आप यहां पे सर्च करेंगे तो यहां पे नीचे आएगा योर अकाउंट इज डिसेबल्ड गूगल अकाउंट हेल्प। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो ओपन होगा। अगर आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल हो जाता है तो आपको क्या होगा, आप गूगल की कोई सर्विसेज यूज नहीं कर पाएंगे और आपके पास एक मैसेज आ सकता है कि वहाँ पे आपको लिखा होगा योर अकाउंट इज डिसेबल्ड। वो कंपनी की तरफ से ही आएगा, गूगल की तरफ से ही आएगा। अब आप रिस्टोर करना चाहते हो अकाउंट को तो यहाँ पे तीन तरीके दिए हैं आपको, रिक्वेस्ट रिव्यू पे कर जाके करना होगा। ये सब स्टेप फॉलो करके आप अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। ठीक, अब जानते हैं कि अपना अकाउंट जो है वो डिसेबल होता क्यों है। तो यहाँ पे गूगल की कुछ पॉलिसीज हैं, आप उनके खिलाफ़ अगर काम करेंगे गूगल के खिलाफ तो आपका अकाउंट जो है डिसेबल हो सकता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, अकाउंट हाईजेकिंग या हैकिंग करेंगे और कॉल बॉम्बर जो होता है, मैसेज बॉम्बर होता है, आप दोस्तों का मजाक बनाने के लिए या उनको परेशान करने के लिए कुछ भी बॉम्बर का यूज़ करते हैं तो वहाँ से भी आपका अकाउंट जो है डिसेबल हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ पॉलिसीज हैं, उनको ब्रेक करेंगे आप तो वहाँ से भी होगा। सेक्सुअल कंटेंट आप बनाएंगे या देखेंगे, कुछ भी होगा तो वहाँ से भी आपको अकाउंट जो है टर्मिनेट हो सकता है या डिसेबल हो सकता है। हैरेसमेंटिंग करेंगे तो भी वहाँ से होगा, स्पैमिंग करेंगे तो भी होगा, टेररिस्ट कंटेंट बनाएंगे तो भी होगा आपका अकाउंट डिसेबल। तो ये सब चीज़ों को आप अवॉइड करिए, इसके बारे में अच्छे तरीके से आप जान लीजिए। ठीक, मेरा काम जो है जीमेल सिर्फ रिकवर करना नहीं है, आप सभी को अच्छी चीज़ें बताना भी मेरा उद्देश्य है कि आपका अकाउंट डिसेबल ना हो। ठीक भाई, तो अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो लोग नए हों। तो यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे वैलिड लीगल रिक्वेस्ट, आप यहाँ से रिक्वेस्ट भी दायर कर सकते हैं। ठीक भाई, आप यहाँ से गूगल जो भी आपका इशू होगा वहाँ से हो जाएगा। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पर गूगल पर सर्च किया, फिर गूगल पर सर्च किया, फिर यहाँ से आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो अदर वाले पे कर देना, जो भी आपका हो दिक्कत वही करना, मेरा देख के मत करना भाई, समझे। फिर यहाँ से आपके लिए दिस पेज वाला ऑप्शन आ जाएगा। दिस पेज में जाके, दिस पेज में यहाँ पे देखो कम्युनिटी में जाके आप पोस्ट करके वहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक भाई, आपका जो कंटेंट होगा उसके खिलाफ आपका अकाउंट जो है रिकवर हो जाएगा। और ऑप्शन बता दो, यहाँ पे जाके आप कम्युनिटी में जाएंगे तो वहाँ से भी आप अपना अकाउंट रिकवर करा सकते हैं। कम्युनिटी में जाना है आपको, जस्ट पोस्ट करना है और एक होता है गूगल फॉर्म फिलअप फॉर्म, वहाँ से भी आप अगर फिलअप कर देंगे तो आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आस्क नाउ पर जाएंगे, यहाँ से भी आपको रिकवर हो जाएगा अकाउंट। तो कैसे करना है वीडियो में आप इन तक बने रहिए। यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन लिख दीजिएगा और डिटेल करके कैटेगरी लिख के ये सब करके आपको कंफर्म कर देना, पोस्ट कर देना, आपका यूट्यूब कम्युनिटी जो है आपको बहुत जल्दी रिप्लाई कर देगी। ठीक भाई, और लास्ट ऑप्शन आता है, लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक आता है जीमेल में, जब आप खोलेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ आता है हेल्प एंड फीडबैक। तो फीडबैक भी आप भेज सकते हो बट यहाँ पर अभी आ नहीं रहा है, जब आप अपना खोलेंगे दूसरे तरीके से तो शायद आ जाए। ये इतने ऑप्शन होते हैं, फीडबैक भी भेज के आप अपना अकाउंट रिकवर करा सकते हो। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।